राम राम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोलैंड एक्सप्रेस 10 कीबोर्ड का वीडियो। दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कैसे आप टोन का आवाज बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए समझें और फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड में ये सेटिंग फॉलो करें। दोस्तों ऐसी वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, आप प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करें या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करके आप मुझे बात कर सकते हैं। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करें। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज भी है, अगर आप मुझे लाइव सुनना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और फिर अपने कीबोर्ड में इसको सेटिंग को करें। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं कीबोर्ड स्क्रीन पर, आइए दोस्तों देखते हैं वो सेटिंग। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मैं कुछ आपको सेटिंग बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है, उससे आप अपने कीबोर्ड के टोन्स का आवाज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर टोन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मुझे इस टोन का आवाज बढ़ाना है, ये टोन है इस नंबर पर, ये दोस्तों ये टोन है 534 नंबर पर। दोस्तों ये टोन है 534 नंबर पर, मुझे इस टोन का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है। तो दोस्तों अभी इसका वॉल्यूम सुन लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, आपने दोस्तों इसका वॉल्यूम सुन लिया है। अभी मैं इसका वॉल्यूम आपको बढ़ा करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आइए देखिए वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपको करना है, पहले दोस्तों आप पहले शिफ्ट प्लस ये शिफ्ट का बटन दबा कर रखना है और कर्सर ये वाला बटन आपको प्रेस करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है परफॉर्मेंस एडिट पार्ट वन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि 16 लेयर से टोन बनती है। आपको एक एक टोन चेक करके आपको देखना है कि कौन से नंबर पर कौन सा क्या पेज लगा हुआ है। दोस्तों आइए मैं चेक करता हूँ। जैसे कि दोस्तों पेज नंबर ये लगा है, मैं कर्सर के बटन से आगे आऊँगा, देखिए यहाँ पे लेवल 127 है, तो मैं इसको प्लस करता हूँ। क्या ये हमारे टोन का ही वॉल्यूम है, मैं इसको कम करता हूँ। देखिए दोस्तों वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि यही वो पार्ट है, पार्ट वन है जिस पर हमारी सेनाई की टोन लगी है। अभी कोडिंग देखें तो आपको इसको जानने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना है और कर्सर, देख सकते हैं आप पार्ट टू, इसका लेवल 0 है, हम पीछे आए दोस्तों, ये है। अब आपको पता कैसे करना है कि कौन सा टोन कौन से पेज पार्ट पर हमारी टोन लगी है, तो आप वॉल्यूम पर आइए, वॉल्यूम पर देख लीजिए, देख कि यह है दोस्तों ये सब 0 है, यानी कि ये टोन सारी बंद है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 16 पे हमारा रिकॉर्डिंग का लगा। अब मैं देखता हूँ इस यही वो पेज है, अब मैं इसकी आवाज़ 0 करता हूँ, ये देखिए दोस्तों आवाज़ आना बंद हो गई, यानी कि यही वो पेज। अब मैं इसका आवाज़ इंक्रीज कर देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा 16 पर कोड का ये स्टैक हेवन टोन लगा हुआ है और पार्ट वन पर हमारी टोन लगी हुई है। अब इसका आवाज़ बढ़ाना है आपको। दोस्तों अब आपको करना ये है कि आपको डायरेक्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है यहीं से, ठीक है, ये मैंने मेन्यू का बटन प्रेस किया और आपको कर्सर से आगे आना है। तो दोस्तों आपको कर्सर से आगे आने के बाद परफॉर्म एडिट पर आना है। परफॉर्म एडिट पर आपको करना ये है कि आपको इसमें चेक करना है कि इसमें MFX कौन सा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आके मैं इंटर करता हूँ, अभी यहाँ पर लेवल फुल है, ठीक है। अब इसके बाद आप आवाज़ कैसे और बढ़ाएँ तो आपको कर्सर से आगे आना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट असाइन MFX2, यानी कि इसमें MFX2 लगा हुआ है पार्ट वन के अंदर, परफॉर्मेंस एडिट पार्ट वन में MFX2 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ हमने यहाँ पर देख लिया है कि इसमें MFX2 लगा हुआ है। दोस्तों हम इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, हम मेन्यू में आ चुके हैं परफॉर्म एडिट में। अब हमें एक बार और कर्सर की बटन प्रेस करनी है, यहाँ पर लिखा है इफेक्ट्स एडिट, ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें एंटर होना है, ये मैंने एंटर किया। अब दोस्तों देखिए, हमने देखा था कि इसमें MFX2 लगा हुआ है, तो हमारे सामने भी देखिए MFX1 है, तो हमें MFX1 का कोई काम नहीं, तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे
और MFX2 पे जाएंगे। अब देखिए MFX2 और मैंने कर्सर का बटन दबाया, साथ में शिफ्ट दबा के कर्सर का बटन दबाया तो हम MFX2 पे आ गए। तो दोस्तों इसमें लगा हुआ है 00 का थ्रू, ठीक है। अब हमें इसकी आवाज़ बढ़ानी, तो हमें करना क्या है दोस्तों, अभी हम इसका आवाज़ सुन लेते एक बार, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको चेंज करूँगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको 02 नंबर पे लगाना है। ये इसको मैंने आगे बढ़ा इक्वालाइजर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे स्पेक्ट्रम है। अब दोस्तों स्पेक्ट्रम पे आते से ही अब आप टोन का आवाज़ सुनिएगा, लाउड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको टोन की क्वालिटी के हिसाब से आवाज़ को मेंटेन करना है। कैसे, आप कर्सर के बटन से आगे आइए, यहाँ पे देखिए बेंड, यह लिखा है ये 6+ है, तो आप इसको बड़ा बड़ा कर घटा कर देख लीजिए कि टोन कैसा साउंड हो रहा है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। अब मैं इसको वापस आगे बढ़ाऊँगा, देखिए ये 0 है। अब मैं आपको इसको बढ़ा के बताता हूँ दोस्तों, आप सुन पा रहे होंगे कि आवाज़ इसका बढ़ रहा है, ठीक है। फिर मैं आगे आया, ये 12 पर है, तो हम इसे 15 पर कर देंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसका आवाज़ कितना हो चुका है, ठीक है, ये आवाज़ इसका बढ़ चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, एग्ज़िट होना है। ये मैं एक बार एग्ज़िट प्रेस किया, फिर एक और बार किया, हम टोन्स पे आ गए। अब हमें इस टोन को ऐसे ही रखने के लिए क्या करना होगा कि शिफ्ट प्लस राइट मेन्यू का बटन प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। अब मेन चीज़ यही है दोस्तों, जो कि कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत आती है ये करने में, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं राइट लिखा है और इंटर का बटन है, सामने लिखा है परफॉर्म, परफॉर्म के पास में आप देखेंगे तो एक स्टार का सिंबल है, ठीक है, स्टार का निशान है, यानी स्टार का हमने इस पर क्यों है, क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं सेटिंग में, इसलिए ये स्टार का निशान आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि कर्सर के बटन से आगे बढ़ना है। अब देखिए पेज पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ऐसे करके 16 पार्ट है, और लास्ट फर्स्ट पर अपना है परफॉर्म पूरा टोटल, ठीक है। आप चेक करिए दोस्तों पार्ट 1 से पार्ट 16 तक कहीं पे स्टार का निशान तो नहीं है यहाँ पर, जैसे कि मैं चेक करता हूँ दोस्तों कहीं पर भी स्टार का निशान नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब स्टार का निशान कहीं भी नहीं है तो कहाँ है, परफॉर्म पे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इंटर का बटन प्रेस करना है, परफॉर्म नेम, ठीक है। तो आप नेम दे सकते हैं जो भी आपको देना हो, मुझे कुछ नेम नहीं देना है तो मैं इसको इंटर करता हूँ। अभी आया 534 नंबर पे लगाना है, उस पे लगाएंगे इसको, ठीक है। यह यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्म राइट, इंटर यस, एग्जिट नो, यस करने के लिए इंटर का बटन प्रेस करेंगे। मैंने इंटर करा, राइटिंग हो रहा है दोस्तों, ये हमारा टोन सेव हो चुका है, ठीक है। अगर पार्ट 1, 2, 3 से लेकर 16 तक आपको कहीं पे स्टार दिखता है तो आपको सेम प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा करके। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी ये टोन सुनाता हूँ, देखिए इसका आवाज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल्यूम व्हील को हाथ भी नहीं लगाया है और कैसे सेटिंग से इसका आवाज़ बढ़ाया है दोस्तों। मैं एक और टोन का आपको आवाज़ बढ़ा करके दिखाता हूँ, आइए देखिए दोस्तों। ये टोन है, ₹505 नंबर की, ठीक है दोस्तों सेम प्रोसेस आपको करना ये है कि मैंने शिफ्ट प्लस कर्सर का बटन दबाया, ये पार्ट 1, ठीक है। अभी हम क्या है कि MFX पर पिछली सेटिंग में थे इसलिए वो यहाँ से आया, अब हमें कर्सर के बटन से बैक आना है। ये हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आ गए। अब देखिए ये टोन है पार्ट 1 में, पेज नंबर ये लगा हुआ है, इसका फुल है, तो यानी कि अब इसमें टोन आपको सुना देता हूँ, इसका वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना ये है, चेक करना है कि कौन सा पार्ट हमारी जो सेनाई की जो टोन लगी है कौन सा पार्ट पर लगी है। अब मैं इसको वॉल्यूम कम करके देखता हूँ दोस्तों, आप ऐसे चेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट को वॉल्यूम के हिसाब से, देखिए है। अब मैं इसको कम करता हूँ, हमारे 11 नंबर पे हमारा कोडिंग लगी हुई है। जैसे आप एक एक को चेक करना पड़ेगा आपको इसके अलावा, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई कुछ दूसरा रास्ता नहीं है।
तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। अब पार्ट वन को हमने लगा लिया है, इसके देखिए यहाँ से लेवल फुल है फिर भी इसका आवाज़ इतना आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आवाज़ बढ़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं मेन्यू का बटन प्रेस किया दोस्तों, मैं आऊँगा परफॉर्म एडिट में, इसका MFX देखूँगा कौन सा लगा हुआ है। अब दोस्तों मैंने एंटर किया, अब मैं यहाँ से देखता हूँ उसका MFX। दोस्तों आउटपुट असाइन इसमें MFX 1 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ से बैक करूँगा और इफेक्ट्स एडिट में आऊँगा। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं दोस्तों MFX 2 लगा हुआ है। तो मैं शिफ्ट प्लस कर्सर माइनस के बटन से MFX 1 पाया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी थ्रू लगा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी आप इसका वॉल्यूम सुन लीजिए, अब मैं इसको स्पेक्ट्रम पे करूँगा 2 नंबर पे। ये स्पेक्ट्रम आ गया, आप सुनिए, अब इसका साउंड सुनिए। ठीक है, बढ़ गया। अब आपको सेम यही प्रोसेस करना है। ये मैंने इसको बढ़ा दिया 6 कर दिया, इसको 15 कर दिया। अब दोस्तों आप सुनिएगा, देख सकते हो दोस्तों इसका आवाज़ बढ़ चुका है। अब मैं बाहर आया हूँ, अब मैं शिफ्ट प्लस मेन्यू का बटन प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार का निशान है, आप ये चेक कर लीजिए दोस्तों कि इन पर कहीं पर स्टार का निशान तो नहीं है। मान लीजिए कि पार्ट वन पर स्टार का निशान है, तो आपको करना कुछ भी नहीं, पार्ट वन हमने ले लिया है, इसको एंटर का बटन प्रेस करना है, पेज नेम सेनाई जो भी है आपको एंटर करते जाना है और पेज राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे ही ये करेंगे वापस इसको आपको शिफ्ट प्लस मेन्यू का बटन राइट का बटन प्रेस करना है। आप यहाँ पर पार्ट वन पर आकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टार हट चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेज हमने सेव कर लिया, अब हमें परफॉर्म सेव करना है। तो परफॉर्म पर देखिए अभी भी स्टार का निशान है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको सेव करूँगा, एंटर, ये लिखा है डिस्कार्ड पेज एडिट, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, परफॉर्म नेम ये लिखा हुआ है दोस्तों, परफॉर्म अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं, मुझे नहीं करना। मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये 505 नंबर पर टोन लगी, मुझे उसी पे सेव करना है इसको। तो मैंने इसको इंटर किया, परफॉर्म राइट यस, देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं टोन चेंज की, अब मैं वापस उसी टोन पर आया, उसका आप टोन सुन लीजिए आवाज़ कितना हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मेरा फेसबुक पेज भी है जहाँ पे मैं प्रोग्राम में से लाइव आता रहता हूँ, तो आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करें, आप मुझे वहाँ पर लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना है या आपका कुछ सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।